उसके बाद एकोसाइटोकोलॉइड कोलॉइडल सस्पेंशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स इन वाटर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई इसमें इतना फर्क नहीं है बताने के लिए। कोलॉइड टू और मोर फेजेस विद अ रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इतनी होती है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, दो फेजेस भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिस्पर्जन फेज में क्या होगा कि सॉल्वेंट इफ वाटर वाटर सॉल्वेंट है तो वो हाइड्रोकोलॉइड होगा, ठीक है, और अगर डिस्पर्स फेज है तो सोल्यूट एक्युमुलेट्स टू फॉर्म मिसल्स, और मिसल्स बनेंगे तो वो एक जेल टाइप मटेरियल बन जाएगा, थोड़ा सा विस्कस बनेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी क्रॉस लिंकिंग होगी और वो लॉन्ग चेन्स टाइप मटेरियल बन जाएगा। ये लिखा भी होगा ग्रेटर डिस्पर्स फेज स्ट्रॉगर जेल स्ट्रक्चर, और उसके बाद एगर का पहले लिखा हुआ मैंने ब्रांच टू फॉर्म ब्रश हीट स्ट्रक्चर। यहाँ पे एगर मैंने आपको पहले बताया था कि ये रीयूजेबल होता है, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड है, तो ये सोल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सिबल नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये बॉक्स के अंदर ही सारी चीज आपको समझ आ जाएगी कि एक सोल फॉर्म होती है और एक जेल फॉर्म होती है, ये जेल फॉर्म है। तो सोल टू जेल कन्वर्ट करने के लिए हम कूल करते हैं और जेल से सोल करने के लिए हम हीट करते हैं। जैसे अगर आप एक जेली भी बनाते हो तो जेली कैसे बनती है, उसको आप फ्रीजर में रख के कूल करते हो तो फिर वो जेली की फॉर्म लेता है, पहले वो लिक्विड होती है। तो इसी तरह सोल टू जेल कन्वर्जन करने के लिए उसे कूल करना पड़ता है तो फिर वो जेल टाइप मटेरियल बन जाते हैं, और जेल ही हमें मिलती है ट्यूब्स में या सिरिंजेस में हमें मिल जाती है, और फिर हम जब हमने उसको इंप्रेशन लेना होता है तो हम उसको हीट करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, उसको हम हीट करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इक्विपमेंट्स के साथ, तो हीट करते हुए उसकी सॉल्यूशन फॉर्म आ जाती है, तो फिर हम उसे इंप्रेशन लेते हैं तो जैसे ही उसका टेम्परेचर दोबारा थोड़ा सा डाउन होता है तो वो फिर थोड़ा सा जेल टाइप मटेरियल बन जाता है, तो हमारा इंप्रेशन आ जाता है। इसके अंदर लिखा हुआ कूलिंग पॉलीसेकेराइड चेन्स अलाइंड एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक सेकेंडरी बॉन्ड। कूल जब होता है तो वो थोड़ा विस्कस हो जाता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी टेम्परेरी सेकेंडरी वीक बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वही सेकेंडरी बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो दोबारा सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। आई थिंक यू गेट इट। उसके बाद हिस्टेरेसिस टेम्परेचर लैग बिटवीन लिक्विफैक्शन एंड सॉलिडिफिकेशन, ये टेम्परेचर लैग को कहते हैं अभी। उसके बाद एल्जिनेट का बताया हुआ विच इज इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एरो लगा हुआ है, ऊपर रिवर्सिबल था दोनों साइड पे एरो से, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एरो है। सॉल्यूशन से आप जेल फॉर्म में लेके जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसके बाद दोबारा सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आता। स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीसेकेराइड्स एंड चेन्स, तो उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता है पॉलीसेकेराइड चेन्स का और फिर वो जेल फॉर्म में एक दफा आ जाता है और फिर वो सेट ही होता रहता है। आपने जब प्रैक्टिकल लाइफ में एल्जिनेट का इंप्रेशन लिया था, हम सब ने कैंटर स्टोन बनाया कास्ट बनाई, तो आपने वो सारी प्रॉपर्टीज एल्जिनेट पढ़ते वक्त डिटेल से अभी पढ़ेंगे तो आपने वो सारी प्रॉपर्टीज रखनी है। आपने सेटिंग टाइम कैसा होता है, एल्जिनेट के टेक्सचर कैसा होता है, पाउडर कैसा होता है, कैसे वाटर डालते हैं, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद लोअर टेम्परेचर होता है स्ट्रॉन्गर जेल फॉर रिवर्सिबल एगर, ओके, लो टेम्परेचर होता है कूल देता है। डायमेंशनल इफेक्ट्स, ये दो इफेक्ट्स हैं जो कि हमें करना पड़ता है, साइनेसिस एंड इम्बाइबिशन, क्योंकि ये जब सेट हो जाता है तो ये वाटर इवेपोरेट करता है, इसके अंदर वाटर इवेपोरेशन भी होती है एल्जिनेट के इंप्रेशन में और श्रिंकेज भी होती है, तो ये सारे प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए हम साइनेसिस और इम्बाइबिशन दो स्टेप्स होते हैं। साइनेसिस कहते हैं हम उसको कि वो श्रिंक ना कर जाए, अगर वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल जितना भी हमने साइज एक्यूरेट लिया है तो वो एक्यूरेट नहीं रहेगा पेशेंट का, तो हम उसे क्या करते हैं एक मॉइस्ट टॉवल या मॉइस्ट कपड़े के अंदर हम उसको रैप कर देते हैं ताकि उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो बरकरार रहे और वो उसका वाटर लेवल डिक्रीज ना करे और श्रिंक ना करे। उसके बाद इम्बाइबिशन में क्या करते हैं कि हम उसको डायरेक्टली वाटर में इमर्ज कर देते हैं ताकि मजीद कोई झंझट ही ना रहे और उसकी ओरिजिनल जो हमने साइज लिया वही रहे। अब एल्जिनेट को डिटेल से पढ़ेंगे कि एल्जिनेट का पाउडर कैसे बनता है और एल्जिनेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं। एल्जिनेट का जो टेक्सचर होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, जाहिर बात है आपको इस लेवल पे इंप्रेशन लेना तो नहीं, इतना टाइम तो नहीं होगा कि इंप्रेशन लें, आपको सिखाएंगे, लेकिन ये आपको आइडेंटिफाई करना आ सकता है। स्मूथ वाइट फ्लफी पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर लाइक टेक्सचर होता है और इसकी एक स्मेल भी होती है खास, यूज फॉर मेकिंग इंप्रेशन ऑफ डेंटल पेशेंट्स फॉर स्टडी मॉडल। हम स्टडी मॉडल या कास्ट बनाने के लिए सिर्फ डेंटेड पेशेंट्स का लेते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट उसी का लेता है। यूज वॉश सेकेंडरी इंप्रेशन फॉर ईडेंचुलस पेशेंट्स का भी ले सकते हैं, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, लेकिन डेंटेड पेशेंट्स की कास्ट बनाने के लिए हम स्पेसिफिक एल्जिनेट के इंप्रेशन को यूज करते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, पाउडर जो इसका बनता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। 15% सोलबल एल्जिनेट होता है, एम पोटाशियम ट्राई एथानोल अमाइन एल्जिनेट, मतलब 15% सोलबल एल्जिनेट होता है। उसके बाद 16% रिएक्टर होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट सबको पता है, जिंक ऑक्साइड होता है एज अ फिलर ताकि वो इसकी विस्कोसिटी बरकरार रहे, पोटाशियम सल्फेट ऐड करते हैं 3%, फिर सिलिकेट पाउडर 60%, फिलर कॉजेस सिलिकोसिस ये सबसे मेजर जाता है। उसके बाद 2% रिटार्डर जाते हैं सेटिंग टाइम और वर्किंग टाइम को मेंटेन करने के लिए, फिर ग्लिसरीन ऐड करते हैं। सेटिंग रिएक्शन क्या होता है इसका, सिंपल ही है, आफ्टर मिक्सिंग एल्जिनेट विद वाटर, जैसे ही वाटर को एल्जिनेट के साथ ऐड करते हैं तो उसके रिएक्शन सेटिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्लस सोडियम पोटाशियम एल्जिनेट, ऊपर दोनों ही चीज़ें पढ़ के आए हैं, तो क्या होता है कैल्शियम आयंस रिप्लेस सोडियम, वो रिप्लेस कर देते हैं फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एल्जिनेट जेल, इसी जेल का हमारा इंप्रेशन आता है। और जेलेशन टाइम कितना होता है, 3 to 4 मिनट,
नॉर्मली फास्ट सेट 1.5 से 3 मिनट्स, हमने जो प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में किया था वो फास्ट सेट मटेरियल था 1.5 से 3 मिनट था, बल्कि 1.5 से 2 मिनट ही था जो मैंने किया था, और स्लो सेट में आपको 3 से 4.5 मिनट्स भी, आपने अगर इस स्टेज पे इनिशियली करना है प्रैक्टिकल तो आप स्लो सेट कर सकते हैं, और अगर फास्ट सेट आपके पास तो आप उसके अंदर कूल वाटर ऐड कर सकते हैं जिससे आपका जो वर्किंग टाइम है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा और आप अच्छी तरह उसकी कंसिस्टेंसी बना के ट्री के अंदर लोड कर सकते हैं और फिर इंप्रेशन ले सकते हैं। इंप्रेशन की भी टेक्निक होती है कि ट्री के ऊपर लोड कैसे करना है, फिगर ऑफ एट करना है बाउल के ऊपर, और फिर ट्रे पोस्टीरियर से आपने पोर करना शुरू करनी है और फिर एंटीरियर से करनी है और होल्ड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली क्लिनिकली आपको बताएंगे। फिलहाल हम थ्रेटिकल वर्क पे हमारा फोकस है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। मैनिपुलेटिव फैक्टर्स फॉर एल्जिनेट, टू मच और टू लिटल वाटर, आपने ना ज़्यादा डालना होता है ना आपने कम डालना होता है। प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे क्लिनिक में तो आपको एक सिलेंडर मिलेगा और एक क्यूब मिलेगा, आप एक क्यूब और एक सिलेंडर का रेशियो बना के इस तरह पोर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वाटर पाउडर रेशियो 16 ग्राम पाउडर और 38 ml इस रेशियो से आप ऐड करेंगे, ठीक है, और ना ज़्यादा डालेंगे ना कम, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ही फ्लूड बन जाएगा, फ्लूडिटी वो फिर सेटिंग होगा और उसकी एट दी एंड वो उसी तरह विस्कोसिटी भी नहीं आएगी और फिर आपका इंप्रेशन नहीं लिया जाएगा। इन सफिशियंट स्पेचुलेशन, अगर आपने स्पेचुला बाउल के इर्द गिर्द जो फिगर ऑफ एट करती हैं फिर प्रेस करती हैं उसको वॉल्स पे, उसकी सारी टेक्निक है, तो अगर आपने वो सही नहीं की तो आपका एक पेस्ट नहीं बनेगा, आपका जो सारे पाउडर है वो सारे लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं होगा। अगर आपका पेस्ट पूरा नहीं बनेगा तो आपके ट्री के ऊपर लोडिंग सही नहीं होगी, और लोडिंग भी सही नहीं होगी तो आपका इंप्रेशन भी सही नहीं आएगा, आपके अंदर उसके अंदर बबल्स आ सकते हैं और वो प्रॉपर आ नहीं सकता। ओवर मिक्सिंग की भी डिक्रीज स्ट्रेंथ होती है, 3 mm थिकनेस होनी चाहिए आपके ट्रे के अंदर, ट्रे के बॉर्डर के अंदर और टूथ के बॉर्डर के दरमियान, टूथ के अंदर आपके 3 mm का एल्जिनेट पड़ा हो तो ही आपका अच्छा इंप्रेशन आएगा, मिनिमम इतना होना चाहिए। इंप्रेशन इज रिमूव फ्रॉम द ओरल कैविटी विद अ स्नैप, जिस क्या है एल्जिनेट यूज करने के हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसे ही आप इंप्रेशन लेते हैं तो आपके स्लाइवा वगैरह सारा अब्सॉर्ब कर लेता है, दैट इज गुड, इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट टिश्यूज अच्छा कॉन्टैक्ट बनाता है, सफिशियंट इलास्टिसिटी होती है इसकी और नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्वीयर अंडरकट्स कॉजेस टीयरिंग ऑफ मटीरियल टीयर कर जाता है क्योंकि बहुत इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है। साइनर्सिस है वो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि साइनर्सिस और इम्पल्बिशन दो इसकी इसके प्रॉब्लम्स है, वो हमें करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए ये वाटर इवेपोरेट कर जाता है, छोड़ देता है और श्रिंक हो जाता है हमारा इंप्रेशन मटीरियल। इसलिए कोशिश करें कि पहले आधे पौने घंटे एक घंटे के अंदर अंदर ही आप डेंटल स्टोन का पोर करें, स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, अगर एयर टाइट कंटेनर्स में आप पोर करेंगे तो इसको ये इवेपोरेट नहीं होगा। उसके बाद डिसइंफेक्शन आता है, डिसइंफेक्ट आपने लाजमी करना होता है, आप जब भी ओवर द क्लिनिक में किसी का इंप्रेशन लेंगे तो सबसे पहले आपने इंप्रेशन लेके उसको वॉश करना होता है, रिंस करना होता है, उसके बाद आप इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए रखते हैं। उसके बाद एगर पे आते हैं, एगर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एल्जिनेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सी वीड प्लांट, उसके बाद रिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड है, उसी तरह ट्यूब्स यहाँ इंजेक्शंस में आता है, इंजेक्शन कह रहा हूँ सिरिंजेस में, ट्यूब्स और सिरिंजेस में आता है 37 to 50 degrees centigrade इसका जिलेशन टाइम है, मतलब ये वो टाइम है, थोड़ा टाइम है जिससे सोल्यूशन से जेल फॉर्म बनती है और जेल से सोल्यूशन फॉर्म कन्वर्ट होता है 70 to 100 degrees centigrade के दरमियान, लिक्विफैक्शन टाइम कहते हैं इसको। इलास्टिक रिकवरी इसकी 99% है अमंग मोस्ट एक्यूरेट, ये एल्जिनेट से ज़्यादा एक्यूरेट है और यूज भी होता है काउंटर में। सप्लाइड एज जेल इन ट्यूब और सिरिंज, कंपोजिशन इसकी उसी तरह एगर की कैसे होती है, जिलेशन एजेंट होता है, बोरेट ऐड करते हैं, उसके बाद जिप्सम एक्सेलरेटर्स ऐड करते हैं, थिकनर्स फिलर्स ऐड करते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए, रिएक्शन मीडियम वाटर ऐड करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बैक्टीरिया सिडल और प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं। ये सारे पॉइंट्स इतने ऐसे आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है, इसके जिलेशन लिक्विफैक्शन टेम्परेचर और जिलेशन टेम्परेचर के बारे में पूछा जा सकता है और वर्किंग टाइम और मिक्सिंग टाइम के बारे में पूछा जा सकता है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंप्रेशन मटीरियल के सबके आपको आना चाहिए। और नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटीरियल्स और इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटीरियल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके अंदर मैनिपुलेशन ऑफ एगर की बात करते हैं, प्रेपरेशन प्लस कंडीशनिंग में क्या करते हैं, फिर ट्यूब और सिरिंज प्लेस करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बाथ फॉर 10 मिनट्स तो सोल्यूशन फॉर्म बन जाती है। 3 steps है, सिर्फ प्रेपरेशन है, स्टोरेज है और टेम्परिंग है। उसके बाद डेंटिस्ट के पास आ जाता है, हम स्टोर करते हैं उसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब तक हमें चाहिए नहीं। जैसे पेशेंट आया हमने उसको निकाला और टेम्परिंग की, ट्रे फिल्ड विद सोल्यूशन और कवर्ड विद ग्लास पैक और हम उसको रखते हैं 45 डिग्री। टेम्परिंग के अंदर क्या होता है कि फिल्ड ट्रे प्लेस्ड टेम्परिंग बाद 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 3 to 10 मिनट्स के लिए रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम होगा उसका टेम्परेचर, क्योंकि ओरल कैविटी का भी तो 37-40 के राउंड अबाउट ही है, तो हमने उसके करीब करीब लेके जाना और फिर हमने इंप्रेशन लेना है, वरना तो वो बर्न आउट कर सकते हैं हमारे टिश्यूज को। तो इस तरह ये इंप्रेशन लिया जाता है, 3 steps हैं, प्रेपरेशन एंड कंडीशनिंग, स्टोरेज करते हैं उसकी और फिर टेम्परिंग करते हैं और फिर हम इंप्रेशन ले लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि मोर कंपेटेबल विद जिप्सम, जिप्सम का हम बाद में जो स्टडी कास्ट या डेंटल स्टोन के कास्ट बनाएंगे
तो उसके साथ ज्यादा कंपेटेबल है एज कम्पेयर टू एलजीनेट. फ्लूइड इनफ टू रिकॉर्ड डिटेल्स, ये इतना सोल्यूशन फॉर्म में होता है कि डिटेल्स ज्यादा कैलकुलेट करता है. नॉन टॉक्सिक नॉन इरिटेंट दोनों होते थे, इनएक्सपेंसिव दोनों है, नॉन मिक्सिंग है, नो मिक्सिंग है, मिक्सिंग इसके अंदर इतनी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे करते हैं. एडिक्वेट शेल्फ लाइफ है, यूज डुप्लीकेटिंग मटीरियल है. और डिसएडवांटेजेस में अगर देखा जाए तो टेक्निक सेंसिटिव है, हमें इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए. कभी हमने सोल्यूशन फॉर्म बनानी है, कभी जेल फॉर्म बनानी है, और ट्यूब्स में कभी सिरिंजेस में, और फिर उसके लिए डायमेंशनल अनस्टेबल भी है, इंपार्टेशन और सेनेसिस में भी होती है. उसके बाद मैंने एक लाइन वन लाइनर लिखा हुआ कि लैमिनेट टेक्निक होती है जिसमें एल्जिनेट और एगर मेथड आता है. इसमें से एक को डायरेक्ट पूर करते हैं टुक्स में और दूसरे का फिर ट्रे फिल्ड विद एगर सीटेड और उसे सीट कर देते हैं. उसके बाद इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटीरियल बताए हुए हैं, ये बहुत डिटेल से हैं यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो.